हेलो लर्नर्स वेलकम टू शल्थ इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे रूरल मार्केटिंग की मीनिंग डिफिनीशन कैरेक्ट्रिस्टिक्स और तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं डिफिकल्टीज क्या आती हैं रूरल मार्केट में तो देखिए मार्केटिंग आपको पता होगा मार्केटिंग में आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली यानी ह्यूमन की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसके लिए प्रोडक्ट बना के उनकी नीड को सेटिसफाई करना और प्रॉफिट कमाते हुए वही चीज़ मार्केटिंग कहलाती है तो रूरल मार्केटिंग पर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया गया है यहाँ पे किस किस फोकस किया गया रूल एरिया में रहते हैं दो टाइप के एरिया आपके में पढ़े होंगे तो कर करना, करना ही क्या है रूर मार्केटिंग है यानी हाँ हम कौन सा मार्केटिंग में फॉर रूरल कंज्यूमर यानी कि मार्केटिंग हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं रूरल कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग क्या है फोर भी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन और सर्विस में आ जाए तो फिजिकल प्रोडक्ट हो फिजिकल एविडेंस भी हो गया प्रोसेस हो गया और पीपल भी हो गया तो ये जो मार्केटिंग हम तैयार करते हैं वो हम रूरल कंज्यूमर के लिए स्पेसिफिकली तैयार करते हैं तो नेशनल कमीशन ने इसको डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रूरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्राइसिंग प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रूरल स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई रूरल कंज्यूमर नीड एंड वांट यानी कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है ये मार्केटिंग है जहाँ पे हम डेवलप करते हैं प्राइसिंग करते हैं प्रमोटिंग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं किसका रूरल स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज का जिससे कि जो रूरल एरियाज़ में कंज्यूमर्स रहते हैं उनकी नीड एंड वांट्स फुलफिल हो तो वही रूरल मार्केटिंग कहलाते ता है तो कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी अगर इस टाइप के प्रोडक्ट्स डेवलप करती है जो कि रूरल कंज्यूमर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाई जाती है उनकी नीड और वांट्स को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है तो उसको हम कहते हैं रूरल मार्केटिंग अभी जो रूरल मार्केटिंग है ना ये टू वे में है टू वे मीनस के यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी प्रोडक्ट होती हैं कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आएंगे वहीं पे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जाते हैं तो टू वे मार्केटिंग प्रोसेस होता है जैसे रूरल टू अर्बन यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये क्या है ये रूरल मार्केट से वहाँ पर उनसे परचेज करके उनको पैकेजिंग करके जो है अर्बन एरियाज़ में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ये भी रूरल मार्केटिंग का एक पार्ट है वहीं पर दूसरा क्या है अर्बन टू रूरल यानी अर्बन अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको जो है रूरल एरिया में जा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जा जिससे कि रूरल कंज्यूमर्स जो हैं उसको परचेज कर सकें और उसको कंज्यूम कर सकें तो बहुत सारे आप प्रोडक्ट देखते होंगे जो कि कस्ट मैनुफैक्चरिंग होती है उसकी अर्बन एरिया में और वो जाते हैं रूरल एरिया में एफ प्रोडक्ट्स में आप खासकर देख लीजिए तेल ऑयल शैम्पू ये सब चीज़ें जो है खाने पीने वाली चीज़ें ये सारी चीज़ें आप कुछ देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स देख लें तो ये सब क्या है अर्बन एरिया से रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो ये रूरल मार्केटिंग कहलाता है यानी कि जस्ट आइडेंटिफाइंग and satisfying the rural customers need wants profitably is rural marketing क्लियर अब हम कैरेक्टिस्टिस की बात कर लें तो करेक्ट्रिस्टिस क्या होते हैं रूरल मार्केट की तो देखिए लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट होता है नो डाउट अर्बन एरिया क्या है कुछ ही किलोमीटर में समेटा हुआ है लेकिन रूरल एरियाज बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है और लेकिन ये स्कैटर्ड होता है यानी कि आप देखेंगे रूरल एरियाज में कि एक गाँव यहाँ है तो चार पाँच किलोमीटर फिर दूसरा गाँव है फिर पाँच छः किलोमीटर तीसरा गाँव है फिर कहीं जाके मार्केट भी है एक छोटा सा बाजार है तो स्कैटर्ड मार्केट बिखरा हुआ मार्केट है रूरल एरिया लार्ज है लेकिन स्कैटर्ड मार्केट है बिखरा हुआ है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्ट्रिस्टिस क्या है कि जो रूरल एरिया में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है एग्रीकल्चर से खेती करके जो है वहां पे इनकम जो है जनरेट की जाती है वहीं पे इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आप देखेंगे अब तो वहाँ पर रूरल एरियाज़ में स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग पहले पुअर थी एज पर कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ लेकिन अब जो है वहाँ पर भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रही है वहाँ पर भी लोगों के पास जो है सारे घर की सुख सुविधाएं जो भी आप ए फ्रिज कूलर जो देखते हैं सारी चीज़ें वहाँ पर भी अब जो है इंप्रूव हो रही है ड्रेसिंग सेंस में उनका चेंज हो रहा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लेकिन अर्बन एरिया के कंपेयर में बात करें तो अभी भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है जितने कि अर्बन एरियाज़ में है यानी कि बहुत सारी मैनुफेक्चरिंग कंपनीज होती है वहां पर जाते तो उनको वेयर हाउसिंग नहीं मिलता है उनको अच्छी बिल्डिंग्स नहीं मिलती है कि क्या वहाँ पे कर लें। यहां पर आप देखेंगे अर्बन एरियाज़ में तो मॉल्स ओपन है लेकिन गांव में अभी कोई भी मॉल जल्दी आपको नहीं मिलेगा ना ही मूवी हॉल्स भी आपको जल्दी से देखने को मिलते हैं तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वहां पर है लोअर कंपटीशन, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर कंपटीशन अभी ज्यादा नहीं है जितना कि अर्बन एरियाज़ में है। आप अर्बन एरियाज में आ जाइए इंटेंसिव मार्केटिंग होती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एक ही नीड को फुलफ़िल करने के लिए लेकिन अभी रूरल एरियाज़ में वो सभी अवेलेबल नहीं है यानी कि वहाँ पे कंपटीशन क्या है अभी कम है वहीं पे नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक दैट इज़ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज नो डाउट गाँव देहात में रूरल एरियाज में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको भाषाओं में चेंज मिलेगा कल्चर में जो है चेंज मिलेगा तो डाइवर्सिटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये करेक्ट्रिस्टिक्स हैं रूरल मार्केट की नेक्स्ट है दैट इज़ डिफ़िकल्टीज इन रूरल मार्केट यानी कि रूरल मार्केटिंग में डिफ़िकल्टीज क्या आती हैं तो देखेंगे सबसे पहले जेस कि वहाँ पर लिटरेसी रेट अभी लो है लो लेवल ऑफ लिटरेसी हालांकि एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है आप सभी स्टूडेंट्स सभी बच्चे जो है जाके पढ़ाई करते हैं लेकिन अभी भी जो पहले के वहाँ पर जनरेशन है उनकी लिटरेसी लेवल देखें तो अभी वो लो लेवल पे है यानी कि ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं होते और नॉर्मली जो हाईली एजुकेटेड होते हैं वो अर्बन एरियाज में चले जाते हैं तो लिटरेसी रेट क्या है अभी वहाँ पर रूरल एरियाज़ में कम है जिसकी वजह से आप अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं जैसा कि कंपनीज यहाँ फॉरन अर्बन एरियाज़ में कम कम्युनिकेशन करती हैं वैसी कम्युनिकेशन वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगी सीजनल एंड ई डिमांड्स होता है तो देखिए जैसे इनकम क्या है? सीजनल है यानी कि उन्होंने तीन महीने खेती की फिर चार महीने बाद जो है कटा करके उनको जो है पैसा मिलता है तो सीजनल इनकम होता है तो यहाँ पर भी जो डिमांड्स है वो भी सीजनल होता है यानी कि जब सीजन आएगा तब उसकी डिमांड होगी ई डिमांड होती है कंटिन्यूस डिमांड यहाँ पर नहीं होती जैसे कि अर्बन एरियाज़ में क्या हो नॉर्मली हमेशा एक जैसी डिमांड यहाँ पे बनी रहती है सीजन में और ज़्यादा हो जाती है लेकिन वहाँ पर नॉर्मली कम होती है लेकिन सीजनस में ज़्यादा हो जाती है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस यानी कि वहाँ पे जो है देखा जाए तो फाइनेंशियली देखें तो वहाँ पे अभी रूरल एरियाज जो है वो बैकवर्ड में एरिया में यानी कि वहाँ पे इनकम जो है कम है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बन एरियाज से कंपेयर करें तो रूरल एरिया में इनकम कम होती है इन, लोगों की इनकम कम होती है तो वहाँ पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है सोशल बैकवर्डनेस यानी कि सोसाइटी के लेवल से भी देखें तो वहाँ पर जो है रूरल एरियाज़ काफ़ी सोशल बैकवर्ड में है बार्टर सिस्टम वहाँ पर बाटर सिस्टम चलता है बार्टर सिस्टम में क्या होता है सामान के बदले सामान यानी कि आप मुझे गेहूँ देंगे तो मैं आपको धान दूंगा उसके बदले आपने सरसों दिया तो यानी आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट दे दिया तो वहाँ पर बार्टर सिस्टम रूरल एरिया में अभी चलता है तो इससे भी प्रॉब्लम होती है मैनुफैक्चरिंग कंपनीज़ को क्योंकि कंपनीज क्या है कंपनी को तो पैसा कमाना है तो प्रोडक्ट सेल करके पैसा मिलेगा उनको तो अब वहाँ बार्टर सिस्टम चलता है तो पैसा के बदले प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट तो कंपनी देगी नहीं तो यह भी जो है डिफिकल्टीज होती है रूरल मार्केट में और लास्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम वहां पे रूरल एरियाज में अभी भी जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है जैसे कि आप देखते होंगे अर्बन एरियाज में क्या है कि आज आप खाने पीने से लेकर ग्रोसरी का आइटम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन रूरल एरियाज में अभी वो चीजें अवेलेबल नहीं है कि आप ऑनलाइन डिमांड कर लें और आपको पास पहुंच जाए हालांकि कुछ सिटीज में कुछ गांव एरियाज में कनेक्टिविटी होने की वजह से आप जो है वहां पर भी डिलीवरी होने लगी लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है कि रूरल मार्केट में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम होती है वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है तो ये डिफिकल्टीज कुछ है जो कि रूरल मार्केट में होती हैं। तो होप आपके डाउट क्लियर होंगे विशो ऑल बेस्ट की